हे हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ग्रंथा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज जो है वो 12 सितंबर है, और जिसको हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो इसलिए भी स्पेशल इस है, और संडे है तो संडे में स्पेशल में तो हम लोग डिस्कशन करते ही हैं। बहुत कुछ आज मैं अपने शॉर्ट पार्ट के बारे में आप लोग को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जो शायद आप लोगों को जो है लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सबसे पहले तो सभी ग्रैंड पेरेंट्स को, जो भी व्यूवर्स हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दिल से विश यू हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे, और आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहे, और हम भी आपकी इच्छाओं और आपके जो भी काम है, जो भी आपने सपने सोचे हुए हैं, उनको हम अच्छे तरीके से पूरा करते रहें और आपके सम्मान को और बढ़ाते रहें। उसका आशीर्वाद बस आप लोगों से मिलता रहे, मुझे ऐसे ही। सबसे मेन चीज आती है, जो इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये है कि ये चीज मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अचीवमेंट्स मिलेंगे आप लोगों को। पहला है हेल्प द पीपल एंड रिस्पेक्ट द पीपल, और शायद इंटायर द यूनिवर्स लोग इसी पे डिपेंड होते हैं, आपकी कोई रिस्पेक्ट करे और आपकी कोई मदद करे। बट कहते हैं ना कि जाके ऐसा किसी से एक्सपेक्ट करने से पहले हमें खुद भी करना पड़ता है। करेक्ट, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भगवान देता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, बट उसके पहले आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं। पहली चीज क्या है, रिस्पेक्ट द ओल्ड पीपल। जो भी बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि आप उनसे आगे कभी नहीं हो सकते, और उनके द्वारा सिखाया हुआ हर एक स्मॉल पार्ट भी जो है आपकी लाइफ में बहुत मीनिंग रखता है। और मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने टीचरों से, अपने से बड़े सीनियर से, मैंने सबसे सीखने की कोशिश की और उसको इम्प्लीमेंट किया, और मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। दूसरी चीज कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको मदद करिए। देखिए पैंडेमिक चल रहा है, सबको एक दूसरे के साथ की जरूरत है, सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो फूड सेक्टर में हो, या फिर किसी के एजुकेशन में हो। तो प्लीज आपसे जितना हो सके उतना लोगों को हेल्प करिए। मैं भी कर रहा हूँ, और मुझे कई लोगों ने पूछा है कि आप क्यों हेल्प करते हैं, क्या इंटेंशन है। तो सिंपल सा चीज है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी चीज को लेके, बस दूसरों को हेल्प करके उनके चेहरे पे आई हुई खुशी से मुझे खुशी होती है, और मुझे अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना। तो दूसरों की हेल्प करिए अगर आपसे पॉसिबल हो सके, आप अगर कर सकते हैं। तीसरी चीज, बिहेव लाइक अ फ्रेंड विद योर किड। ये चीज मैंने क्यों बोला है, क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आप लोगों की मेडिकल या जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर बहुत से बच्चे 12th स्टैंडर्ड में होंगे, या बहुत सारे बच्चे छोटे स्टैंडर्ड में भी, सेकेंड थर्ड फोर्थ में है। तो प्लीज आप उन लोगों से मेंटल प्रेशर उनके ऊपर मत आने दीजिए। मैं समझ सकता हूँ आप लोग ऑफिस में काम करते होंगे तो बर्डन्स रहता है, बट उस प्रेशर को जो है आप बच्चों पे इफेक्ट नहीं हो, है ना। उनसे प्यार से बात करिए, उनसे पूछिए उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो बच्चे को भी कंफर्ट लगता है, वो भी सोचता है कि हाँ ठीक है, मतलब कोई है मेरी बात को सुनने के लिए। तो बच्चों से जो है बहुत ही नॉर्मली आप बिहेव करिए, उनके साथ एज अ फ्रेंड की तरह बिहेव करने की कोशिश करिए। चौथी चीज, रिस्पेक्ट द वुमेन एंड गर्ल्स। ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ और हर बार यही कहता हूँ, क्योंकि अगर कुछ लोगों को पता हो, अभी कल भी जो है मुंबई में जो है इतना गंदा केस हुआ जो है एक लड़की के साथ। तो प्लीज आप लोग जो है वुमेन्स का सपोर्ट करिए। कई बार होता है वो डरती हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को शेयर करने में, प्लीज उन लोगों को समझने की कोशिश करिए, उन लोगों को रिस्पेक्ट करिए। और सेम ही चीज मैं दूसरों की साइड से भी बोलता हूँ कि वुमेन्स या गर्ल्स भी जो है वो मेंस या बॉयज को भी समझने की कोशिश करें, तो एक दूसरे को आपस में समझने की कोशिश करिए। मैं ये चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ। एंड लास्ट थिंग इज, डोंट प्रूव टू एनीवन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप यो कर रहे हैं, आप आईटी इंडस्ट्री के हैं, आप इसमें क्यों जाके सपोर्ट करने की कोशिश करो। तो मेरा एक सिंपल सा चीज है, मैं कर रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे पता है। तो मेन थिंग इज दैट आप किसी को प्रूफ करने मत जाइए आप सही हैं गलत है क्या कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे वो करिए, जो चीज़ आपके
कि माइंड हैप्पीनेस प्रोवाइड करे उस चीज़ पर आप फोकस करिए। सो कंक्लूजन में बस मुझे यही सारी चीज़ कहनी थी आप लोगों से, हेल्प द पीपल एंड रिस्पेक्ट द पीपल। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आज मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि जितनी भी आपकी टेक्निकल वीडियोस आएंगी वो सारी की सारी टेक्निकल वीडियो आपकी हर वेडनेसडे को शाम को 7 बजे आएगी, और जो भी आपका मोटिवेशन डिस्कशन है वो हर एक संडे को आएगा। ये दो चीज़ें आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा और आप लोग को याद भी रहेगा, क्योंकि कई बार स्टार्टिंग में होता था मैं वीडियो सीधा उधर डाल देता था, बट जो मुझे लगा कि एक सिस्टमेटिक वे को मैं फॉलो करूँ तो हर एक वेडनेसडे को आपको टेक्निकल वीडियो शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाएगी। ओके, सो जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए दिल से धन्यवाद, और अगेन सभी ग्रैंड पेरेंट्स को मेरा दिल से नमन है, और आप ऐसे ही जो है अपने बच्चों पे जो है आशीर्वाद बनाए रखें और वो लोग तरक्की करते रहें। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।